सबसे पहले से देखा जाए कि क्या क्या देखें हम लोग। हम लोग देखें कि फ्लोट जो है, फ्लोट के थ्रू मतलब बॉल जैसा कोई चीज होता है जो बहता है, उसके थ्रू कैसे हम लोग सरफेस का वेलोसिटी मेजर कर सकते थे। डबल फ्लोट यूज किया गया है ना, फ्लोट रड यूज किया गया, उससे भी पानी का वेलोसिटी मेजर करते थे। फिर वाटर मीटर इस्तेमाल किया गया, ऐसे पंखी की तरह जो नाचता है ना, पानी उसको नचा देता है, उससे भी हम लोग पानी का स्पीड नाच के मेजर कर लेते थे। फिर वियर या नोच लिया गया कि मतलब ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, इसको अप्लाई करके भी हम लोग जो है, इसका अदर काम भी होता है, जैसे बना इसका मेन काम जो होता है वो पानी का लेवल को राइज करना होता है वियर का, है ना। लेकिन इससे जो है हम लोग फ्लो मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और इसका हम लोगों ने डेरिवेशन देखा, मेनली जो तीन टाइप का होता है, नैरो वियर है ना, और ब्रॉडकास्टेड वियर और ओगी वियर, तीनों का हम लोगों ने देखा डेरिवेशन। एक का तो डेरिवेशन नहीं था है ना, बाकी दो का हम लोगों ने डिटेल में देखा। इसके टाइप्स देखें कि क्या क्या होता है ना, तो ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया। अब जो है एक एक चीज और पढ़ना है, वो भी हम लोग को जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो भी, है ना। अब वो सिर्फ जो है मेनली जो है वो फ्लो मेजरमेंट के लिए ही यूज किया जाता है। उसका नाम है वेंचुरी फ्लूम, वेंचुरी फ्लूम, ठीक है, इसका नाम है वेंचुरी फ्लूम। इसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले वो देखते हैं कि वेंचुरी मीटर में क्या था। वेंचुरी मीटर जब हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे वेंचुरी मीटर है, ये याद होगा आप लोगों को कि ये जो है कोई पाइप हुआ करता था, जिसको पाइप फ्लो कर रहा है इधर से इधर के बीच में, उसके बीच में ये पाइप आ रहा था इधर से और ये पाइप इधर जा रहा है, उसके बीच में इतना बड़ा सेटअप जो है हम लोग अप्लाई कर देते हैं, है ना। इसमें एक एक पोर्शन जो है इसका एरिया छोटा हुआ होता दिखता है, कन्वर्जिंग होता हुआ दिखता है, फिर जो है ये थ्रोट रहता था और ये डाइवर्जिंग रहता था, ऐसा है ना। ये पाइप के बीच में ऐसा सेटअप लगा देते थे, ये भी एक पाइप ही है, इसमें पाइप यहाँ पे थोड़ा सा पाइप पतला होता है, यहाँ पे थोड़ा सा थ्रोट जैसा दिखता है, यहाँ पे पाइप चौड़ा हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है। इसके अप्लाई करने से ऐसा होता था कि इस यहाँ पे मैनोमीटर लगा तो इसका हाइट ज्यादा पकड़ता था, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम होता था, और यहाँ पे वेलोसिटी जो एरिया छोटा कर दे, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे मैनोमीटर लगाओ तो इसका हाइट कम होता है ना, कम हेड होता है। तो इन दोनों के हेड का जो डिफरेंस होता था, एच जिसको बोलते हैं, तो उस एच के इस्तेमाल करके हम लोग इसके इस पाइप से कितना फ्लो हो रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो निकाल लेते थे। और उसका फॉर्मूला ये था, Q इज इक्वल टू A1 A2 रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2 GH। यहाँ पे H जो है इन दोनों के बीच का लेवल का डिफरेंस था, है ना, और A1 A2 दोनों जगह का एरिया था, यहाँ पे पाइप का क्या एरिया है और यहाँ पे पाइप का क्या एरिया है, ऐसा होता था, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन देख चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड, ये पाइप के लिए था, इसी से रिलेटेड नहर में स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऐसा ही, उसको हम लोग वेंचुरी फ्लूम बोलते हैं। इसमें वेंचुरी मीटर था, है ना, एक पाइप में लगा हुआ मीटर है ये, है ना, जो ये काम करता था, लेकिन वो एक उसको फ्लूम बोलते हैं, फ्लूम है ना, ये वेंचुरी फ्लूम। शेप उसका जो है वेंचुरी मीटर की तरह ही होता है, इसलिए इसका नाम जो है वेंचुरी फ्लूम है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई नहर, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं किसी नहर को, तो नहर जो है हम लोग का ऐसा चौड़ा ऐसा होता है ना, इतना चौड़ा होता है नहर ऐसे, ठीक है ना, ऊपर से देख रहे हैं नहर ऐसा होता है, एकदम रेगुलर इसका शेप होता है, ठीक है। तो उसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, जानबूझ के कि नहर का चौड़ाई जो है हम लोग अब एक बैग थोड़ा सा ऐसे कम कर देते हैं, ऐसे चौड़ाई जो है नहर का चौड़ाई थोड़ा कम कर देते हैं, फिर कुछ दूर तक नहर का चौड़ाई जो है एकदम पतला रखते हैं ऐसे, फिर उसको फैला देते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी आगे में नहर फिर कंटिन्यू हो जाता है, जैसा था वैसे ही कंटिन्यू हो जाता है, फिर इधर भी नहर जो है जैसा था इधर ऐसे कंटिन्यू हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात, कैसा करते हैं। नहर आ रहा था ऐसे, तो नहर के बीच में स्ट्रक्चर ही ऐसा बना देते हैं कि यहाँ पे चौड़ाई धीरे धीरे उसका कम कर देते हैं, है ना, ऐसे एक ऐसा दीवार जैसा बना देते हैं, ऐसे ये उठा हुआ दीवार रहेगा, फिर इधर भी ऐसा दीवार जैसा बना देते हैं, ये उठा हुआ होगा, है ना, और इधर ये चौड़ाई इसका रेगुलर कंटिन्यू ऐसा रखते हैं, यहाँ पे ऐसा रखते हैं, मतलब ऐसा इस एकदम एक समान रूप से पतला, और यहाँ पे फिर फैलाना फैलाना शुरू कर देते हैं और जाके फिर मिला देते हैं नॉर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका चौड़ाई कुछ कुछ होगा, है ना, मान लो कि कैपिटल बी यहाँ पे चौड़ाई होगा,
यहाँ पे कुछ और चढ़ाई होगा, यहाँ पे स्मॉल बी मान लोगे होगा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसको इसका जब हम लोग साइड व्यू देखते हैं, पानी का हाइट जो यहाँ पे नहर में आ रहा था, यहाँ तक जो हाइट यहाँ पे ऐसे आ रहा था, इसकी वजह से इसका जो हाइट है रेगुलर घटेगा, है ना। क्योंकि एरिया घट रहा है तो पानी का हाइट घटेगा, स्पीड बढ़ेगा, फिर यहाँ इसकी इसके बीच में ये ऐसे रहेगा, है ना। फिर उसके बाद से पानी का हाइट फिर बढ़ता होगा, फिर अपना जो है नहर के ओरिजिनल हाइट को अपना पकड़ता चला जाएगा। इस बीच में पानी का हाइट जो है ये घट जाता है, क्योंकि एरिया घट गया तो स्पीड बढ़ जाता है, तो पानी का हाइट घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो स्पीड होगा V1, और यहाँ पे स्पीड जो होगा वो V2 होगा, है ना। और यहाँ पे जो हाइट होगा वो इसको कैपिटल एच बोल लो, और यहाँ पे जो हाइट होगा उसको पानी का स्मॉल एच। ये नदी का ये है सरफेस है, हम लोग साइड व्यू बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हाइट होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे हाइट होगा वो कम होगा, उसको स्मॉल एच बोल लेते हैं। अभी अभी देखे ना हम लोग, जैसे भी एरिया छोटा करते हैं तो अपने आप उसको लेवल कम कर लेता है पानी, अपना लेवल जो है पानी लेवल कम कर लेता है ना, और स्पीड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे स्पीड मान लो V1 रहा होगा, V2 यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, है ना। V2 is greater than V1 होगा हमेशा, है ना। तो ये चीज होगा, ये साइड व्यू, तो ये नदी का मतलब हम लोग नदी को देख रहे हैं, नदी के पानी के हाइट को, और इसमें हम लोग समझो ऊपर से देख रहे हैं, एरियल व्यू देख रहे हैं ये चीज, ठीक है, समझे ये चीज। तो इसके यहाँ पे जो लेवल का लेवल होगा, यहाँ पे जो लेवल होगा उस लेवल का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे ये होगा h-h, कैपिटल h-h, है ना। तो जो चीज अप्लाई हुआ था वेंचुरी मीटर में वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगा, वही फॉर्मूला लगेगा, हर कुछ वही होगा, क्योंकि वही सेम काम हो रहा है। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू होगा q इज इक्वल टू होगा a1 इंटू a2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1² - a2² इंटू रूट अंडर 2g। और ये जो उसमें होता था कि इन दोनों के बीच में लेवल का डिफरेंस क्या है, उन दोनों में लेवल का डिफरेंस वहां पे h होता था, लेकिन यहाँ पे लेवल का डिफरेंस कितना है, h-h है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखा आएगा h-h, ठीक है। और cd यहाँ पे गुना हो जाएगा, कभी कोफिशियंट ऑफ ये d जो है गुना करते हैं। तो ये है वेंचुरी फ्लूम, और ये फॉर्मूला लगता है सेम जैसा वेंचुरी मीटर में हुआ करता था, वैसा ही है इसमें भी होगा, समझे। इसमें कोई दिक्कत है, घटाते हैं, घटता नहीं है, घटाते हैं, चौड़ाई या ऊंचाई पूछ रहे हो। हाँ तो ये बनाते हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे नदी जो चौड़ाई नहर का ओरिजिनली कैपिटल भी था, लेकिन जानबूझ के उसको धीरे 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 चौड़ाई को नदी का घटा देते हैं। जब बनाते हैं कुछ दूर तक जो है नदी नहीं, जनरली ये जो नहर वगैरह बनता है ना, ऑलरेडी वहां पे कंक्रीटिंग का काम होता रहता है, तो ये थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जानबूझ के। इसका यही काम होगा कि उससे डिस्चार्ज निकल जाएगा, इन दोनों का h-h जान के, इन दोनों के बीच का लेवल का डिफरेंस जान के, और ये फॉर्मूला लगा के डिस्चार्ज निकल जाएगा कि नहर से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, समझे। देखो दिखाते हैं कि रियल में ये कैसा होता है, ये जो इस टाइप का होता है, दिख रहा है, जानबूझ के कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे छोटा होता जाता है, फिर कुछ दूर थ्रोट जैसा होता है, फिर बढ़ जाता है ऐसे। ऐसा स्ट्रक्चर जो है मतलब नहर बना हुआ है उसमें ऐसा बना देते हैं, समझे। या और देखिए ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जो है, थोड़ा सा ऐसे इसे ये एरिया घटा उसका, फिर बीच में थोड़ा सा ऐसे ऐसे थ्रोट जैसा था, फिर बढ़ गया ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जानबूझ के, है ना। इसको अभी रहने दो। तो इसमें यहाँ पे A1 क्या होगा, A1 जो होगा कि एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पहले वाले जगह पे, जैसे ये मान लो कि फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है, तो पहले वाले पोजीशन पे एरिया कितना है, चौड़ाई तो बी है, ऊंचाई कितना था यहाँ पे, हाइट एच कैपिटल एच, है ना। तो A1 इक्वल टू होगा बी इंटू कैपिटल एच, और A2 इक्वल टू होगा यहाँ पे चौड़ाई स्मॉल बी और हाइट कितना स्मॉल एच, स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच। यहाँ पे A1 A2 जो है ये सब पुट होगा, कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच, स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच। बाकी √2g तो पता ही है कितना है,
ये एच और ये एच जो है कि क्या होता है कि ये सब ये जो चीज दिख रहा है ये सब ऊंचा ऊंचा होता है ना, ये सब दीवार जैसा होता है ऊपर में, ये सब ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे कितना पानी का हाइट है तो दीवार पे मार्किंग किया रहता है, उससे नोट कर सकते हो यहाँ पे पानी का क्या हाइट है, तो उसका भी दीवार पे मार्किंग किया रहता है, तो वो आप देख सकते हैं, समझे। तो ये इसके क्या हेड बनेगा, तो वो हेड जो है वो मेजर करना होगा, वहां जाके नोट करना होगा कि कितना हाइट तक पानी है दीवार पर, कितना हाइट पर तक पानी टच किया हुआ है, और यहाँ पे जो दीवार होगा इस पे पानी कहाँ तक जाके टच किया हुआ है, तो ये स्मॉल एच निकल जाएगा। तो ये दोनों एच को माइनस कर देंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे A1 A2 की जगह पे, ये सब पुट करके तो हम लोग का डिस्चार्ज निकल जाएगा कि इस नहर से कितना डिस्चार्ज हो रहा है। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, इसे बनाना ये दिख रहा है ना, कितना कोई मुश्किल चीज थोड़ी है इसको बनाना, है ना। ऐसा थोड़ा सा बना दीजिए, नहर जा रहा है ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे पकड़े बना दीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है बनाना इसको, है ना। ये बना के उसके बाद मार्किंग कर देना है, बस इसके दीवार पर ही मार्किंग कर दो, इसके दीवार पर ही मार्किंग कर दो, तो रेगुलर आपका फ्लो मेजर होता रहेगा। रेडीमेड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आपको नहर से क्या फ्लो हो रहा है निकलता रहेगा, समझे। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का वेंचुरी फ्लूम। तो एक